देख रहे हैं केवल सच। आज बिहार की जनता की जिंदगी के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था की जिनकी जिम्मेवारी है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको अपनी राजनीति चमकाने, स्वार्थ और महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए हर दिन लोग गोलियों के शिकार हो रहे हैं। अपराधी का मनोबल बढ़ गया है। अपराध पर अब आप लगाम नहीं लगा सकते, क्योंकि अपराधी सरकार में सम्मिलित हो चुका है। आप वही व्यक्ति हैं जो सुशासन लाने का शपथ लिया था, संकल्प लिया था, और आज उस अपराधी के साथ, भ्रष्टाचारी के साथ गलबहिया करके आज खुल करके बाढ़ में गोली मारी जा रही है। बेगूसराय में, पटना के अंदर दिनदहाड़े गोली मारी जा रही है, जमुई बांका हर जिले के अंदर। आखिर क्यों जवाब नहीं दे रहे? प्रतिपक्ष सरकार को सजग करता है, प्रशासन को सावधान करता है, और प्रतिपक्ष के जवाब आप क्यों नहीं दे पा रहे? क्यों सच को नहीं बता रहे? आपके डीजीपी मौन है, आपके पुलिस प्रशासन क्यों इतने डिमोरलाइज हतोत्साहित है? कठपुतली की तरह शासन में बैठा व्यक्ति उसको नचा रहा है, ये लाचार बेबस दिखाई पड़ रहा है। आज बालू माफिया, दारू माफिया, जमीन माफिया खुल करके अपना साम्राज्य हर थाने के अंदर पार्टनरशिप की व्यवस्था कर करके खेल खेल रही है। आपको जवाब देना होगा, कितनी मौत पर आपकी सत्ता की भूख मिटेगी? मुख्यमंत्री जी, आपको जवाब देना होगा। गृह विभाग आपके जिम्मे है और सत्ता नहीं संभल रही है, तो आपको सत्ता से हटना चाहिए। महामहिम राज्यपाल महोदय से भी हम लोग मांग करेंगे कि आखिर कितने बिहारी की मौत के बाद आप कार्रवाई करेंगे? बिहार के अंदर खुल करके मौत हो रही है, इस मौत की जिम्मेवारी तय करनी चाहिए। प्रशासन में बैठा व्यक्ति को, पुलिस प्रशासन को संभल नहीं रहा। आखिर कब तक विपक्ष सिर्फ आंसू पोंछने के लिए दौड़ते रहेगा? सरकार की भी अपनी जिम्मेवारी को निर्वहन नहीं करता है, तो इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई औचित्य नहीं है। इस सरकार को सत्ता से हटाना चाहिए।